पहले जानकारी मिली है तो सारे देश से संघ के प्रतिनिधि सक्रिय स्वयंसेवकों में से पहले प्रांत प्रतिनिधि और उनमें से अखिल भारतीय प्रतिनिधि चुने जाते हैं और 3 साल के लिए ये प्रतिनिधि सरकारी सभा का चुनाव भी करते हैं। ये प्रतिनिधि सभा संघ की सर्वोच्च निर्णय करने वाला यूनिट है। यह बैठक 3 दिन चलेगी। वार्षिक अहवाल भी सरकारी वहां यहां प्रस्तुत करते हैं, आप सबको उसकी कॉपी मिलेगी। एक साल भर का लेखा जोखा होता है। संघ की शाखा की स्ट्रेंथ, संघ कार्य की स्ट्रेंथ हम लोग 4 पद्धति से मेजर करते हैं। एक, कितने स्थानों में संघ कार्य है, दैनिक शाखा चलते ऐसे कितने स्थान है, ये स्थानों में वृद्धि हो यह प्रयास होता है। एक स्थान पर 3, 4, 5, 10, 12 शाखाएं भी हो सकती है, ऐसी शाखाएं कितनी है। जहां पर शाखा शुरू होने की अभी तैयारी नहीं है वहां सप्ताह में एक बार शाखा के माध्यम से लोग एकत्र आते हैं। शाखा आपने देखी होगी, लेकिन शाखा इज ए प्रोग्राम टू इनकलकेट सम कलेक्टिव क्वालिटीज एंड टू प्रैक्टिस सम क्वालिटीज कलेक्टिवली। सारा भारत का सारा समाज एक है, सब समान है, सब मेरे अपने हैं और मुझे समाज के लिए कुछ देना है, इसकी अनुभूति या संस्कार शाखा के माध्यम से होता है। और बौद्धिक स्तर पर इसको जानने के बाद भी इसका नियमित अभ्यास भी आवश्यक है, इसलिए दैनंदिन शाखा में जाने का एक आग्रह होता है। ऐसे सप्ताह में एक बार एकत्र आने वाले उनको साप्ताहिक मिलन केंद्र कहते हैं। और जहां पर इसकी भी संभावना नहीं है, एक शुरुआत करनी है, कम से कम महीने में एक बार स्वयंसेवक कार्यकर्ता गांव में जाकर वहां के लोगों को इकट्ठा करते हैं, कुछ सामाजिक विषयों की चर्चा करते हैं, एक राष्ट्रीय सामाजिक विषय। तो ऐसे एक शाखा स्थान, शाखाएं, साप्ताहिक मिलन और हर महीने एक बार मिलने वाले को संघ मंडली कहते हैं। अभी वर्तमान जो स्थिति है ऐसी है कि ऐसे 42,613 स्थानों में दैनिक शाखाएं चल रही है। इसमें शाखाओं की संख्या 68,651 है। साप्ताहिक मिलन की संख्या 26,877 है। जिनको संघ मंडली कहते हैं उनकी संख्या 10,412। लास्ट ईयर की तुलना में प्रत्येक इसमें वृद्धि हुई है। आपको जो प्रतिवेदन मिलेगा यह उसमें उसका चार्ट दिया हुआ है। लेकिन विशेष जो नोटेबल बात ऐसी है कि 1920 के मार्च के बाद पैंडेमिक कारण सारा काम करीब ठप हो गया था। उसके बाद फिर से उसको ट्रैक पर लाने में हमारे कार्यकर्ता सफल हुए हैं। पैंडेमिक में 5.5 लाख स्वयंसेवकों ने लोगों की सेवाएं की है।